नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी अपकमिंग विटारा बरेजा की। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं या फिर इस गाड़ी को फ्यूचर में खरीदने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं मारुति विटारा बरेजा के करंट मॉडल पर और उसके बाद देखेंगे अपकमिंग वाले को। बरेजा का जो करंट मॉडल अभी मार्केट में है, इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 bhp जनरेट करता है 138 Nm टॉर्क के साथ। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गियरबॉक्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है, यानी इसके आगे के दो पहिए जान लगाते हैं और ये 4-स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी भी है। इस गाड़ी को मारुति सुजुकी ने 2016 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और अभी 2022 के मिड तक लगभग इस गाड़ी की 7.5 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। इसलिए अब मारुति वाले 30 जून 2022 को बरेजा का न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपकमिंग मारुति सुजुकी बरेजा के बारे में। मारुति वालों ने यह दावा किया है जो अपकमिंग बरेजा आएगी, इस गाड़ी में आपको राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नए वाले फीचर्स मिलेंगे आपको और कंफर्ट लेवल भी कहीं ना कहीं ओल्ड बरेजा से ज्यादा मिलने वाला है। अब स्टार्ट कर लेते हैं इंजन से। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का K150C हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 103 से 105 bhp जनरेट करेगा और 136 से लेकर 145 Nm के बीच में टॉर्क जनरेट करेगा। अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल गियरबॉक्स के साथ खरीदेंगे तो ये गाड़ी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में मिलेगी, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ लेंगे तो आपको 6 स्पीड ऑटो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स यहाँ पर मिलेगा। मारुति वालों का कहना है अभी इस गाड़ी को ओनली पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा, उसके कुछ दिन बाद इस गाड़ी को सीएनजी में भी लॉन्च किया जाएगा। गाड़ी की लॉन्च डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, 30 जून 2022 रहने वाली है। गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस लगभग 8 लाख से स्टार्ट होकर 12.5 लाख रुपए एक्सोरूम इंडिया जाएगा। कुछ लोग इस गाड़ी का कंपैरिजन वेन्यू, सोनेट, XUV300 और नेक्सोन से करते हैं। तो भाई, आप इस गाड़ी का कंपैरिजन हुंडई वेन्यू, टाटा पंच और किया सोनेट जैसी गाड़ियों से कर सकते हैं, लेकिन टाटा नेक्सोन और XUV300 तो इससे बहुत ज्यादा बेटर गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां तो कहीं ना कहीं हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों को भी बीट कर रही हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं बरेजा में आपको 103 bhp और 140 Nm के लगभग टॉर्क मिलेगा और XUV300 में आपको 115 bhp और 300 Nm टॉर्क मिलता है। तो भाई, कहीं भी कंपैरिजन नहीं बनता, बेवकूफी है इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करना। अब स्टार्ट करते हैं न्यू वाली बरेजा के एक्सटीरियर से और देखते हैं आपको फ्रंट में क्या क्या मिलता है। फ्रंट में मारुति वालों ने जो ग्रिल दी है, अभी इसका कोई नाम तो नहीं रखा इन्होंने, जैसे किया वालों ने टाइगर नोज रखा था सेल्टोस का, लेकिन भाई मुझे ये ग्रिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, हो सकता है आपको ये ग्रिल अच्छी लगे। बात करें हेडलाइट सेटअप की तो भाई बेस वेरिएंट में वही हेलोजन मिलने वाला है और टॉप वेरिएंट में पूरा का पूरा LED सेटअप मिलेगा। इस गाड़ी में आपको DRLs मिलेंगी, देखने में तो थोड़ी थोड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर से मैच कर रही है, लेकिन भैया कहाँ लेजेंडर और कहाँ बरेजा। जिन लोगों को DRLs का मतलब नहीं पता, तो भाई DRLs का मतलब होता है डे टाइम रनिंग लाइट, जो आपने आजकल बहुत सारी गाड़ियों में देखी होगी, वाइट वाइट कलर की, दिन में भी जलती रहती है। फ्रंट ग्रिल में हो सकता है आपको 360 डिग्री कैमरा की हाउसिंग भी मिले, क्योंकि अब तो बलेनो में 360 डिग्री कैमरा दे दिया है मारुति ने, तो भाई बरेजा में तो देंगे ही देंगे। नीचे आपको फॉग लाइट मिलती है और उसके नीचे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलती है, बाकी फ्रंट में ऐसा कुछ गाड़ी में है नहीं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो भाई साइड में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बॉडी क्लैडिंग मिलेगी, ये तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर बॉडी क्लैडिंग के आसपास कहीं भी आपको क्रोम वर्क नहीं मिल रहा, जो थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्रोम वर्क होना चाहिए था हल्का फुल्का। ORVMs पर आपको इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन बेस वेरियंट में तो वही फेंडर पर मिलने वाले हैं। ये गाड़ी भी आपको सिंगल थीम और डुअल टोन दोनों कलर्स में आपको मिल जाएगी, जो आपको पसंद आए आप वो ले सकते हैं। साइड प्रोफाइल से गाड़ी की छत को देखें तो भाई छत पर आपको रूफ रेल्स भी मिलने वाले हैं। AD पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा, लेकिन B और C पिलर गाड़ी का आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं रियर साइड की, क्योंकि अभी तक फ्रंट और साइड की हमारे हाथ इतनी ही इन्फॉर्मेशन लगी है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बताना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं रियर साइड की। स्टार्ट करें रियर से। रियर में तो ऊपर सबसे पहले शार्क फिन एंटीना दिखाई दे रहा है, उसके नीचे स्पॉइलर भी दिख रहा है। स्पॉइलर पर आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप भी मिलेगा। स्पॉइलर और हाई स्टॉप माउंट लैंप से नीचे आए तो आपको रियर वाइपर और डिफोकर तो अब हर गाड़ी के टॉप मॉडल में मिलने ही लगे हैं। उसके बाद बात करें टेल लाइट्स की, तो भाई टेल लाइट्स यहाँ पर रेंज रोवर इवोक से इंस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी। और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बरेजा भी ऐसे ही लिखने की कोशिश की गई है जैसे रेंज रोवर की गाड़ियों पर रेंज रोवर लिखा हुआ होता है रियर साइड में। और भाई कहीं ना कहीं 10 से 15% ये गाड़ी रेंज रोवर इवोक जैसी लग भी रही है।
नीचे फिर से आपको वही ब्लैक बम्पर मिलने वाला है जो आजकल सभी मिनी एसयूवीज में मिलता है। उसके ऊपर आपको सिल्वर फिनिश में वर्क मिलेगा। और वैसे तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में भी आपको दो रिफ्लेक्टर जरूर मिलेंगे। और इस सब के साथ साथ मैं दो चीज़ें तो आपको बतानी भूल ही गया, इस गाड़ी में भी हो सकता है आपको चार नहीं तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर तो मिलेंगे और उसके साथ रियर पार्किंग कैमरा भी जरूर ही मिलेगा। भाई अब घुस जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंटीरियर की। तो इंटीरियर में वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है, अगर आपने नई वाली बलेनो को देख लिया तो बस सेम ही होने वाला है। गाड़ी में आपको सेम मारुति सुजुकी बलेनो वाली MID मिलेगी, वही वाला आपको स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। अब बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको फोर्ड इको स्पोर्ट वाला मिलने वाला है। तो भाई फोर्ड इको स्पोर्ट तो चली गई, मारुति ने बिल्कुल डिजाइन ऐसा ही कॉपी करके वही बलेनो में लगा दिया और वही अब ब्रेजा में लगाने वाले हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 9 इंच का रहने वाला है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मल्टी कनेक्टेड फीचर्स एंड सपोर्ट अमेजोन अलेक्सा। न्यू वाली ब्रेजा में भी आपको न्यू वाली बलेनो के जैसे HUD मिलेगी, यानी हेड्स अप डिस्प्ले। सभी लोगों ने सबसे पहले HUD किया सेल्टोस के टॉप वेरिएंट में देखी थी, लेकिन अब तो सभी गाड़ियों में मिलने लगी है। उसके अलावा टॉप वेरिएंट में इस गाड़ी के अभी भी आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा और एक सनरूफ भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। पैनारोमिक तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, लेकिन छोटा सनरूफ आपको मिल जाएगा जिससे आपका काम चल सके, क्योंकि भैया आजकल इंडिया में सभी लोगों को सनरूफ चाहिए, किसी के पास उसका यूज़ हो ना हो लेकिन सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए तो चाहिए। बात करें कलर ऑप्शंस की, इस गाड़ी में आपको टोटल 9 कलर्स मिलेंगे, 6 तो सिंगल थीम के साथ और 3 डुअल टोन थीम के साथ मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कौन से वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा और कौन से में मैनुअल मिलेगा। तो भैया मैनुअल वालों की बात करें तो इसमें LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस इस सब में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको बेस वेरिएंट LXi को इग्नोर करना पड़ेगा और आपको बेस से ऊपर वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा VXi। इस VXi, ZXi और ZXi प्लस इन सभी में आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिल जाएगा। गाड़ी की प्राइस तो हमने आपको बताई दी है, इंडियन मार्केट में एक्स शोरूम लगभग 8 लाख से 12.5 लाख रुपए तक जाएगी। हो सकता है ये मारुति विटारा ब्रेजा इस बार ग्लोबल NCAP रेटिंग में 4 स्टार की जगह 5 स्टार रेटिंग ले आए और उसके बाद तो इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारे हाथ तो इतनी इन्फॉर्मेशन लगी थी। जल्दी मिलते हैं आपको किसी नई अपडेट के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और भाई क्या कर रहे हो अभी तक यार, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो।